Good morning, guys. Today's vlog is about full day of healthy eating to maintain a healthy lifestyle and a fit body. So, aaj hum start karenge day 1 se. So today's breakfast is ragi dosa. Ragi dosa ke liye hame around 1 cup ragi flour chahiye, half cup rice flour yani chawal ka aata, aadha cup dahi curd isme add karenge. Hamne around 3 se 4 ghante pehle urad ki dal bhigo ke rakha tha. हम इसे अच्छे से ग्राइंड करके इसमें अराउंड 3/4 कप ऐड करेंगे. लेटर हम सॉल्ट ऐड करेंगे स्वाद अनुसार और एक ग्लास पानी से बैटर रेडी करेंगे इस कंसिस्टेंसी से. तो आइए चलिए लेट्स मेक डोसा. पैन में थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल करके इसे हम अच्छे से वाइप ऑफ कर देंगे. फिर एक लैडल के बैक से सर्कुलर मोशन में हम डोसा बनाएंगे. अराउंड हाफ अ टीस्पून या 1/4 टीस्पून ऑयल इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और एक लिड से कवर कर देंगे. लीजिए हमारा लो कैलोरी ब्रेकफास्ट रागी डोसा तैयार है. फॉर लंच आई हैड राजमा चावल विथ लॉट्स ऑफ सैलड. हाफ टी स्पून जीरा हम ऐड करेंगे हॉट ऑयल में. इसे हल्का सा क्रैकल होने दे. फिर दो अनियंस मीडियम साइज के जिन्हें हमने फाइनली चॉप किया है उसे मिक्स इन करेंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे. प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूने. फिर 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें. इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई होने दें. इसमें चुटकी भर हींग डाला मैंने जिससे राजमा का डाइजेशन बेटर हो और इसे 30 सेकेंड तक यूं ही फ्राई करें. आपको जितना स्पाइसी पसंद है उसके अनुसार ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे. उसे मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पकने देंगे. फिर 1/4 टीस्पून हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर मिक्स इन करेंगे और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर भी मिला देंगे. 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर भी मिला देंगे. फिर 2 मीडियम टमेटोज चॉप किए हुए इन्हें मिक्स इन करेंगे
और अच्छे से मिलाएंगे जब तक कि ये सॉफ्ट एंड मशी ना हो जाए। देखिए अब ये टमाटर तेल छोड़ने लगा है और एकदम सॉफ्ट और मशी हो गया है। हम इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला स्प्रिंकल करेंगे। और हमने एक कप राजमा रात भर भिगोया हुआ और बॉईल किया हुआ रखा था, उसे भी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करें। करीब 3 कप पानी हम इसमें पोर इन करेंगे और इस अच्छे से मध्यम आंच में पकने दें। देखिए अब करी में कितने अच्छे से बॉयल आ गया है। इसमें हम एक मैजिक मसाला का पूरा साशे मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से बॉयल होने देंगे। 15 मिनट्स तक बॉयल होने से हमारी ग्रेवी देखिए अब हल्की सी गाढ़ी हो गई है। इसे थोड़ा और गाढ़ा करने के लिए हम चम्मच की मदद से इसे हल्का सा प्रेस करेंगे। इससे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी और बेटर हो जाएगी। देखिए हमारी ग्रेवी बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी में रेडी हो गई है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और कोरिएंडर लीव्स चॉप किए हुए इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और हमारी राजमा करी इज़ रेडी टू बी सर्व्ड विथ हॉट राइस। ये लीजिए, रेडी हो गया हमारा राजमा राइस और मैंने इसे खाया बहुत सारे सैलेड के साथ। फॉर इवनिंग स्नैक आई हैड अ होल एप्पल। डिनर में मैंने हेल्दी वेजिटेबल सूप पिया। तो आइए हम जानते हैं इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द वेजिटेबल सूप। इसके लिए मैंने एक स्मॉल बीटरूट लिया है, उसे बॉयल किया हुआ है। एक स्मॉल कैरेट लिया है, वो भी बॉयल्ड है। एक मीडियम साइज टमेटो है जो बॉयल किया हुआ है और स्किन पील ऑफ्ड है। एक हैंडफुल ऑफ स्पिनच लिया है जो कि ब्लांच्ड है और 1/4 कप ऑफ फ्रोजन पीज। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम एक साथ एक ब्लेंडर जार में लेके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। एक पैन में हम 1/4 टीस्पून घी ऐड करेंगे। थोड़ा बहुत घी खाना बहुत अच्छा होता है फॉर योर हार्ट्स हेल्थ। इसे गर्म होने दे, फिर चुटकी भर जीरा इसमें डालेंगे। इसे क्रैकल करने दे। हमने जो 1/4 कप फ्रोजन ग्रीन पीस रखे थे उसे मिलाएंगे और इसे भी हल्का सा फ्राई करेंगे। अब सॉल्ट ऐड करें स्वाद अनुसार और मीडियम हीट में फ्राई होने दें। अब हमने जो बॉइल्ड वेजिटेबल्स को एक साथ ग्राइंड करके पेस्ट बनाया था उसे ऐड करेंगे और मिक्सिंग करेंगे। अराउंड 1.5 कप वाटर ऐड करें। देखिए हमारे सूप में अब अच्छा खासा बॉयल आ गया है और सूप भी काफ़ी अच्छे से थिक हो गया है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून फ्रेशली
क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च मिलाएंगे और एक मिनट बॉईल करने के बाद हमारा सूप इज़ रेडी। डिनर में ये सूप काफ़ी फिलिंग था और टेस्टी और हेल्दी भी था। गिव इट अ थम्स अप इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। दिस वॉज ऑल इन वॉट आई ईट इन अ डे सीरीज़ डे 1। थैंक यू।